Namara, assalamu alaikum, kaise sab log yaar. To aage hum ek new video ke andar jiska andar hum aaye Victor gang ke saath. Matlab Victor gang ka aap logo ko nahi pata hoga, lekin ye abhi naya gang aaya Pubg ke andar, Victor gang. तो इनका मतलब मेन एम ये है कि इन लोगों ने नंगाओं ने उस सर के ऊपर मतलब कपन बांधा होगा और मतलब जिधर भी लोबी के अंदर लूट मास्टर खिलचोर डकैत जो भी मतलब लेटा हुआ शाम बिच्छू कोई मिल जाए बस लेटा हुआ तो उनके ऊपर थूक फेंक कर मारने उन लोगों को। तो आज हमने पहले वीडियो है अभी विक्टर गैंग का, तो हमने सोचा कि सैंपोक से शुरुआत करते हैं क्योंकि सैंपोक के अंदर दुनिया जान का लेटा हुआ इंसान मिलते हैं हम लोग। अरे लेटा हुआ इंसान तो हमको कहीं दिख गया, गोलियों से बौछार कर देना उसके बेखी। तो हमने सोचा कि आज जाएगा पैराडाइज रिजॉर्ट, पैराडाइज रिजॉर्ट में खात्मा करके फिर आएगा बूट कैंप की तरफ, क्योंकि मतलब थोड़ा मिशन वगैरह भी तरह हुए समझी से वो बदले लोग कुमार है तो मतलब खैर सीरियस हम विक्टर गैंग का लीडर है तो हम थोड़ा सीरियस रहकर बात करेंगे तुम लोगों से। अब तो बात ऐसे है कि हम जा रहे थे पैराडाइज रिजॉर्ट, अब देखते हैं कि कोई आते है फिर नहीं। खैर गैस आप लोगों को बता चले कि ये अरब लोग भी था क्योंकि ये खबीस हमने खुद लगाया था मैच, ठीक है मतलब लेकिन पिंगो विंगो आप पर डाले थे, मतलब बटन को सोचे बगैर ही बस सोच रहे थे कि हम ये वाला बटन दबाने वाले तो वो काम पहले हो जाता था, फिर मजा आ रहा था मतलब पिंगो विंगो अच्छे जब आते तो मजा आते फिर गेम खेले। तो खैर ये देखो मतलब खौफ देख रहे तुम, खौफ सिर्फ और सिर्फ लोबी के अंदर लोगों ने देखा कि तीन नंगा लोग सर के ऊपर कपन बांधा हुआ आए हुए और है भी सारे विक्टर दादा लोग, मतलब डर की वजह से पैराडाइज क्या कि बूट कैंप के अंदर भी नहीं गए होगे लोग अभी, फिर मतलब देख रहे हो डर देख रहे हो गाइस। तो हमने बोले जल्दी जल्दी से मतलब दो तीन टुपक उठाओ ताकि लोगों को सबक सिखाया जाए और फिर निकलते हैं अपने मंजिल मकसूद की तरफ, मतलब मकसूद का मंजिल की तरफ चलते हैं और वहाँ पर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते फिर। आर यू कॉमेडी मी? और वो कौन सा जगह? और वो है बूट कैंप, मतलब सिर्फ और सिर्फ बूट कैंप नहीं कई जगह भी मिल जाए हम लोग को, हमने छोड़ने नहीं किसी। ये देखो पहले मासूम इंसान ने टुपक गोली का आवाज सुने हमने, अब एज यूजुअल इधर हमारे जेरी भाई ने एक और किल चोरी करता हुआ, मतलब मासूम इंसान को भी नहीं छोड़े उसके ऊपर भी मतलब जुल्म अत्याचार कर दी। ये पहचान विक्टर गैंग का कॉप का है रही। गा के आगे देखते जाओ कि होता क्या इन लोगों के साथ, मतलब हम लोगों ने इतना जुल्म किया कि नहीं पूछो विखेम जिहाद पर निकला हुआ था हम लोग। तो हमने बोले कि आज गाइस अब जाने का वक्त आ गया, मतलब बूट कैंप की तरफ रवाना होने का वक्त आ गया और इंतजार हमसे नहीं होते विखी। आज के बाद गाइस आप लोग को कहीं भी मतलब ऐसा वो नजर आएगा ना विक्टर गैंग तो फिर रिस्पेक्ट करने उन लोगों का, मतलब विक्टर गैंग अच्छा काम कर रहे पबजी के लिए। वो देखो आर डी हॉर ने पी डब्ल्यू मुस्तफा खान को मार दिया, मतलब अब नहीं बचते है आर डी हॉर नहीं बचते है अब देखो हम उसको कितना इबरतनाक किस्म का मौत देते हैं। अब याद रखने ये नाम गाइस हम फिर से बोल रहे हैं आर डी हॉर मतलब HEWR वो देखो, मतलब यार किसी की मसले है मतलब हम एशिया के अंदर खेलते तो हमारा 150 साल लेते पिक करने के अंदर, अब जीरी साहब खेल रहे कि तो वो कह रहे कि हमारा पिक करने में 150 साल ले रहे, और वे खबीस लोग को देखो मतलब गैंग के लीडर को छोड़कर खुद दोनों जा रहे आगे आगे, मतलब यार क्या इज्जत बाकी रह गई, मतलब गैंग के लीडर रह रखे क्या इज्जत है यार हमारा, बुरा लगता है भाई। पहले गेंग के लीडर है हम जो मतलब पैदल ही घूम रहे मतलब पूरे जमीनों के ऊपर, वो चप्पल भी नहीं पहन कर आए हम। अरे खरे तुम दोनों में से अभी एक नक हो जो पैर मजे आ जाएगा पैर कि तुम लोग जाते हैं अकेले है फिर नहीं, लीडर को छोड़कर जाते हैं फिर नहीं, या बंदा ऐसे गाड़ी ढूंढ लेते हैं जिसके अंदर तीन तीन बंदर लोग बैठ सकते हैं यार। बहुत दूर से हम ऐसे छील कर निगाहें फेंक रहे थे बूट कैंप के ऊपर के कोई भी हमको नजर आए तो हम मार कर दें इन लोगों के लिए, लेकिन यह देखो हमको इधर यह नजर आ गया। ऐ लख लानत तुम्हारे एम के ऊपर खान साहब, लख लानत, ये भी मासूम इंसान है क्या, मतलब वो देखो सिर्फ गैस लेवल चेक करो मतलब कि वो लच रियल बंदे लोगों ने सिर्फ हमको देख कर लोबी छोड़ दिए बिखी। आप परिन मजा आ गया,
चेरी मजा आ गया अल्लाह खेर तुमको फिनिश कर दे बखी ना जल्दी है जल्दी है गैंग के लीडर को फिर छोड़ दिया वो खुद आगे जा रहे बड़े तीस मार खान बना हुआ तुम हम तो दुआ कर रहे कि तुम्हारे लाल पाद निकाल दी हुई हरा पाद निकाल दी बिखी लेकिन चलो कोई मसला नहीं है ऐसे विक्टर गैंग का नाम खराब होते पैर बुलाता है मगर जाने का ही वो देख उसको अरे तो हम क्या बोल रहे थे अगर अभी तक हम लोगों ने वीडियो देखे हो जो जुड़ा हुआ है तो कमेंट के अंदर जल्दी जल्दी से जाकर कमेंट करो हैशटैग विक्टर गैंग फॉर द विन मतलब FDW ये देखो अब ये खासियत है विक्टर गैंग का मतलब एक साथ ही हमला करने मतलब गीदड़ नहीं है हम लोग लेकिन शेर का हमला है ये देखो हम क्या बोलते हैं आरडी और नाम याद रखना इबरतनाक मौत देगा हम बिखी ऐसे एक एक डायरेक्शन से एक दूसरे डायरेक्शन से एक तीसरे डायरेक्शन से मतलब बिखी छड़ गया था बिखी SMG पकड़ कर हम बात गपे ओल्ला वो देखो उसने अपना मौत को दावत दिया मतलब स्नाइपर का गोली चला कर उसने अपना मौत को दावत दी उधर से कि हम इधर खड़ा हुआ है इधर हमारा दूसरा एजेंट एजेंट बोलते हैं कि इस तरफ वेस्ट का तरफ भी एक बंदा है जो कि ऊजी मूजी चला रहता है अभी आवाज़ आया थोड़ा थोड़ा सा हमने बोले चलो बिखी सतर्क रहना चाहिए ऐसे मामले के अंदर तो आज वो डायरेक्ट पहले करीब वाले के ऊपर पुश करते बाद में स्नेपर वेपर वाले को देख के पैर हमने बोले आज वो मन टेंशन नहीं लियो जो आर या पार आज वो देख जाएगा पैर और इसको देखो मतलब चुप रहता उधर चुप रहता इसको लग रहा था क्या आगे से बंदा आने वाले मतलब पीछे देखे नहीं इसलिए कहते हैं गाइस पीछे तू देखो इसको देखो दीवार घर के अंदर मतलब गोलियों ऐसे गोलियां उसके कि घर के अंदर आ रहे घर के अंदर रखकर लग रहे मतलब बंद सीढ़ियों पर चढ़े या फिर कमरे के अंदर छुप जाए फिर लेट जाए उसका स्नेपर का गोलियों वापस आएगा आपके पीछे अजीब भवसीय किस्म का इंसान था मेरा मतलब नजर नहीं आया फिर भाग गए थोड़ी देर बाद लेकिन तंग बड़ा किया था हमको हमने आवाज़ सुन लिया किसी का बदबूदार मतलब बदबूदार लगते किसी ने रोज़ा तोड़ा था किसी ने पानी पिया हुआ ये देख हमने बोला नहीं ये खबीस औरत पानी पिया था रोज़े का हालत के अंदर तो हमने इसको मंजिल मकसूद तक पहुँचा दिया पैर और ऐसे लोग के लिए भी हम हमारे विक्टर गैंग है मतलब जो रोज़ एक हालत के अंदर छुपके से पा के फ्रिज में जाकर पानी का बोतल निकाल कर सुड़ पीते ना एक दो क्या बोलते हैं गिलास और फिर अफतारी के वक्त सबसे पहले आकर बैठा होते सुपरे के ऊपर के यार रोज़ बहुत लग रहे हो अल्लाह अच्छे रोज़ बहुत लग रहे या खबीस लोगों का तो बहुत बड़ा रोज़ होता जैसे हमको पता है तो कुछ लोग होते हैं ऐसे मतलब हमने खुद भी देखे है अपना आंखों से पर्सनल आंखों से जाती हमको फील हुआ था कि थोड़ा राइट राइट माइट पर कि लोग है मतलब कुछ आवाज़ शवाज़ आ रही थी लेकिन हमारा कान नहीं बज रहा था सिर्फ मतलब कोई बंदा लोग नहीं था तो हमने बोले कि आज चलो अब और बंदा लोग को ढूंढते ऐसे मैप के अंदर अचानक से ऐसे सुनसान सन्नाटा छा गया था ना कि मतलब जैसे बदरी क्या हो गया इधर हमने ये पुरकान मतलब और जेरी से पूछे कि यार तुम्हारा बाइक के पीछे से आवाज़ आ रहा है वो भी शायद पबजी खेल रहे तो बताओ कौन से मोबाइल के ऊपर वो पबजी खेलते खबीस इंसान को तो ये नहीं था मालूम कि कौन से मोबाइल के ऊपर खेलते लेकिन वो चेक करो कि स्पेसिफिकेशन क्या बताते हो अब जैसा ही है इधर ही इधर ही 1500 FPS पे खेलता हूँ या कितना 1500 FPS और 2000 रिफ्रेश रेट है वाह मतलब आप फेरी मतलब सैमसंग और शाओमी और हवाई और आईफोन वाले लोग ने सारे लोग ने मिलकर एक मोबाइल बना कर दिया था उसके बाइक को ही दिया था प्यार मतलब 1500 FPS और 2000 स्क्रीन रिफ्रेश रेट माशाल्लाह क्या मोबाइल नहीं पूरा जहाज नासा का टेबलेट दे देते इसको यार गाइस अरब लोबी के अंदर यही मसला होता है मतलब देखो अभी हमने कितना दफ़ा मतलब अभी एशिया इंडो पाक इंडोनेशिया वगैरह के लोबी के अंदर खेल लिए उसके अंदर ये होता है कि बंदे लोग ऐसे जानबाज मतलब वैसे बिखी सर के ऊपर कपन बांध कर निकला होते खेलने के लिए कि मतलब बंदे लोग को ढूंढो और मारो एक अरब लोग भी खबीस लोग पता नहीं किधर छुपा होते
लेट होते सैम मगरमच्छ बना होते हैं या खबीस हो रहते हैं, खबीस हो रहे जैसे हमने तुमको देख ही नहीं सके, वो पूछ रहे कि कौन है कौन है। लेट ही होते कभी कोई दीवार के पीछे छुपे होते तीन तीन घंटों के लिए, कोई झाड़ियों के अंदर लेटा होते तीन तीन घंटों के लिए, कोई खेदर वहाँ मजे नहीं आते पैर, मजे नहीं आते, सारे में अच्छे से घूमते रहो पागलों के तरह, लेकिन मिलते कोई भी नहीं। मेरे पास लैग आ रहा है, बूट कैंप की तरफ देख रहा हूँ तो लैग आ रहा है। क्या बोलते हैं पाकिस्तान और इंडिया लोग का सबसे मेन डायलॉग ये है, मतलब उस तरफ देख रहे तो इतना किलोमीटर से ले जा रहे, मतलब 70 किलोमीटर से ले जा रहे, इतने मीटर से ले जा रहे। अजीब कसम पकड़े जिंदगी में तो हमको ऐसे कोई भी नहीं हुआ कि मतलब ले जा रहा हूँ कि कोई डायरेक्शन में देखू ले जा रहा थे पैर। यार ड्रामेबाज लोग, खबीस लोग, नॉट कमिंग स्लो। यार जायरो वाले बंदे के सामने लेटने का क्या फायदा होता है, और नीचे स्क्रीन की खत्म सर पे। अभी थोड़ी देर के अंदर तुमको पता चल जाएगा। यार जायरो वाले बंदे के सामने लेटने का क्या फायदा होता है। थोड़े देर के अंदर तुमको पता चल जाएगा जायरो प्लेयर के सामने लेटने का क्या फायदा। भाई इधर आ जाओ, मेरे को बचा लो, मेरे सामने अंधेरा आ रहा है। अंधेरा नहीं है शुएबा, खबर से बड़े इंसान अंधेरा नहीं है कि फिर आंखों के सामने अंधेरा आ रहे, मतलब हमको ये नहीं पता कि उन लोगों ने मारा किधर से, मतलब ये कौन सा सांप बिच्छू लेटा हुआ है जिसने तुमको डस लिया पीछे से। मतलब खूबसूरत पहले इंतजार किए कि कोई बंदा लेटे फिर हम अम अम का झटका देगा फिर उसको। वो देखो इच्छाधारी नाग को, वो देखो सतरंगी नाग है, सतरंगी मतलब सात रंग वाला सांप था बिखी। अभी उसका टीम मेट को देखो, अभी सूरत को एक इधर बैठा हुआ एक उधर बैठा हुआ कि मतलब बीच से खुए ऐसे आए तो फिर डायरेक्ट पत्थर के पीछे से निकल कर आ जाए, वो बोली कि हेलो देयर। खबीस लोग कैंपर लोग टेंशन नहीं लो, वेक्टर गैंग इज ऑन देयर सर्विस। इस इच्छेदारी नागो को हर मैप से खाली करेगा वेक्टर गैंग जो है। गाइस वेक्टर गैंग के अंदर आप लोग भी शुमार हो सकते हैं, सही है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने हमारा वाला ड्रेस करने, मतलब कपड़े उतार कर सर के ऊपर कपन बांध कर मैच खेलने पर अपने टीम वाले लोग के साथ। औ कोई भी मतलब सांप को आप लोगों ने मारे तो उसका स्क्रीनशॉट या फिर थोड़ा छोटा सा क्लिप बनाकर इंस्टाग्राम के ऊपर चढ़ा देने हो, हमको स्टोरी के अंदर मेंशन करने। रियल KS69 नाम का आइडिया हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो हम आपके स्टोरी पर अपने स्टोरी के ऊपर लगाए। बिखी फैला दो, मतलब खौफ डर फैला दो पबजी के अंदर, विक्टर गैंग का खौफ और डर फैला दो बिखी। ओला बच गया, मतलब इंच से बचे हुए बिखी, अब कैसे बचे। ओ गैस अब लोग देखा, मतलब जैसे अपने गोली चलाया वो खबीर सूरत ने छलांग मार दी, मतलब बिखी धूम मचाले वाले सीन हो गए थे। तो खैर बहुत अरसे के बाद हमने ओम पकड़े थे, ओम छिलाने के लिए हमारे पास 8 गुनोस्कोप भी नहीं था, मतलब कि 8 गुनोस्कोप है तो उस वो अच्छे चलते, मतलब बैठते, मतलब ओम का साथ 6 गुनोस्कोप का तो हमारा सेंसिटिविटी बहुत बहुत हाई है मतलब। और ज़रूरी बात गाइस, अगर जिस जिसने मतलब विक्टर गैंग के अंदर शुमार होने, लेकिन खबीस लोग अगर हमने देख लिया तुम लोग को ऐसे कैंप करता हुआ ऐसे लेटा हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा पैर, हम फिर ऐसे चप्पल से मारेंगे लेटा हुआ पैर, लेटा ही देगा पूरा पैर। तूने आमिर लियाकत को देखा, वो भाग रहा है। ये देखो अब जो भी मतलब बाकी है सिर्फ और सिर्फ लेटा हुआ ये लोग, ये देखो सांप का ओ ये कैसे बच गया, मतलब या खुदा किस्मत ही। ये देखो इधर आओ हेडशॉट पकड़ो, हमारा खूबसूरत फुर्सत से हेडशॉट पकड़ो। लेटने का जरूरत ही कैसे किया, मतलब तुम लोगों को मजाक लग रही कि सांप के लगे हो, अल्लाह इधर तो हमारी जीरी भाई को किसने लिठा दिया है, उसके ऊपर तो अभी हमारा ध्यान गया। मतलब ये रे अब उठता हुआ आ रहा है खबीस औरत। या खुदा खैर हमको छिपका दिया किसी ने, तो इतना हिम्मत
मतलब इतने हिम्मत के हमको छिपकाए किस किस ने, बेहूदगी से ये दीवार के पीछे छुप हो गए खबीसूरत, वो देखो ऐ लख लानत लख लानत। नंगा ही थे ना तीनों, पता ही नहीं लगा कौन एमवीपी बनेगा। मतलब नंगा तो है, मैंने बोला नंगा तो है, मैंने बोला नंगा तो है, लेकिन कौन सा नंगा है? नंगा तो है लेकिन कौन सा नंगा, इससे ये साबित होते हैं कि विक्टर गैंग नॉट कमिंग स्लो। तो गाइस खैर, अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और घंटे का बटन दबाएं लेकिन चप्पल उतार कर पैर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बालू शाइयां बनाई हैं तुम्हारे लिए, समोसे बनाए गरम गरम, पकौड़े बनाए, रमजान का महीना है, आ जाओ, सहरी के वक्त आ जाओ तो सहरी खिलाएंगे, अफ्तारी के वक्त आओगे तो अफ्तारी खिलाएंगे, आ तो जाओ, आ तो जाओ।